कंदर्पकोटिकमनीयकिशोरो मूर्तिं मनोरथ भवान् भज जानकीशं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। कोई वस्तु बिल्कुल सामने हो और पहचानी न जाती तो दूसरे के बतलाने से शब्द प्रमाण से पहचान में आती है। तो यही भगवान, सामने भगवान है और भगवान को कोई पहचान नहीं रहा है तो बतला के पहचान करानी पड़ती है। और कोई वस्तु बिल्कुल सामने ना हो, अपनी इंद्रियों में उसको देखने की शक्ति ना हो, तो उसको भी शब्द प्रमाण के द्वारा बता के ही पहचान करानी पड़ती है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र, उनकी पहचान साधारण लोगों के लिए बड़ी कठिन है। कैसे कोई पहचाने कि यही साक्षात भगवान है? ये बात प्रश्न और उत्तर, गुरु और शिष्य दोनों के संवाद के द्वारा चलती है। वाल्मीकि जी महाराज ने, जो बड़े भारी तपस्वी थे, इतनी बड़ी तपस्या की कि जब वो तपस्या करने के लिए बैठे तो उनके शरीर पर दीमक लग गई। एक बामी, बड़ी भारी बामी, मिट्टी मिट्टी का ढेर जम गया उनके शरीर पर और उसी में से वे प्रकट हुए। इसलिए उसको वाल्मीकि बोलते हैं। वाल्मीकि माने दीमक चींटी, ये एक तरह की लाल चींटी जो माटी इकट्ठी करते हैं उसको बाल्मीकि बोलते हैं, बाल्मीकि बोलते हैं। और नारद जी भगवान के स्वरूप ही हैं। कहते हैं वेद में ब्रह्म का जैसा निरूपण है, वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में वैसे ही राम का निरूपण किया। वहां ब्रह्म गूढ़ है, यहाँ राम गूढ़ है। वो वेद वाणी है, ये वाल्मीकि वाणी है, पर है बिल्कुल वही का वही। वेद वेद्य परे पुंसि जाते दशरथात मजे, वेद प्राची प्रसाद दासी साक्षात रामायणात्मना। जब वेद वेद्य भगवान दशरथात्मज के रूप में हो गए तो वेद रामायण के रूप में हो गया। ये उनके प्रतिपादन की शैली है। ये वेदांतियों को अभीष्ट है कि साक्षात जो निर्गुण निराकार निर्विकार निर्विशेष निर्धारण परमात्मा है, अभिधा वृत्ति से साक्षात शब्दों के द्वारा उसका निरूपण करना संभव नहीं है। इसलिए पहले सगुण परम सुंदर सगुण संपन्न भगवान का वर्णन होता है। जब गुणों का आरोप करके गुणों के वर्णन के द्वारा गुणवान वस्तु का बोध करा लिया जाता है, ये है गुणवान, तब वो गुणों से न्यारे है, ये समझाने में सुविधा होती है। जब तक पहले गुणों का वर्णन नहीं कर लेंगे तब तक वो गुणों से न्यारे है, ये बात भी नहीं समझाई जा सकती। इसलिए सगुण परमेश्वर का वर्णन किए बिना
निर्गुण परमेश्वर का भी ज्ञान नहीं हो सकता। वाल्मीकि जी महाराज ने नारद से पूछा कि महाराज इस समय संसार में सबसे बड़ा गुणवान कौन है? वो कहते हैं सुशीलता को। ये वैष्णव परिपाटी में कोष परिपाटी में न्यूने रसहा निरंधर संश्लेषा। कोई बहुत बड़ा आदमी हो और वो बहुत छोटे आदमी के साथ निष्कपट प्रेम करे, निष्कपट मिल जाए, तो उसको सुशील बोलते हैं। तो निरंधर संश्लेषा सौशील्यम, ऐसा मिल जाए कि दोनों के भीतर कोई फर्क नहीं रहे। निषाद से, सबरी से, विभीषण से, ये जो भगवान श्री रामचंद्र का मिल जाना है, यही उनकी सुशीलता है। तो ऐसे की शरण लेने में बड़ी सुविधा रहती है। शरण किसकी ग्रहण करें? कहा हम शरण उसकी ग्रहण करेंगे जो हमसे, हमको मिल तो सके ना, हमसे प्रेम कर सके, और इतनी दूर हो, इतना बड़ा हो कि कभी हमारी ओर ध्यान ही न दे, तो उसके साथ क्या मिलना। तो प्रश्न ये हुआ कि आज दुनिया में सबसे बड़ा सुशील कौन है? एक दूसरा प्रश्न ये हुआ कि कश्च वीरजवान, जैसे एक रोग चाहे कितना बड़ा हो और उसके कारण कितने भी बड़े हों, लेकिन विद्वत्तर औषध का सेवन करने से विकार शांत हो जाता है। जो दवा विकारों को शांत कर दे, उस दवा को संस्कृत भाषा में वीरजवान बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि यदि हम उसके संपर्क में आवें तो हमारे सारे के सारे दोष शांत हो जाएं और वह गुण हो जाए? धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। धर्मज्ञ कौन है? धर्मज्ञ माने अपने शरणागत की रक्षा करना चाहिए, इस धर्म को जानता हो, और दूसरों का कर्तव्य क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, इसको जानता हो, साथ ही कृतज्ञ हो। सबरी के फलन की रुचि माधुरी ने पाई। कहते हैं बड़े बड़े जनकपुरी में गए तो भगवान को बड़े सुंदर, मीठे मीठे, बड़े स्वादु, गुणवान भोजन कराए गए, परंतु जहां जहां जाएं वहां वहां यही वर्णन करें कि सबरी के फलों में जो स्वाद था वो स्वाद संसार के किसी भोजन में नहीं है। तो कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ हैं माने मनुष्य जो उनकी सेवा करता है, उनकी भक्ति करता है, प्रेम करता है, उसकी भक्ति की को, सेवा को वो समझते हैं। हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि भाई दो आदमी से प्रेम नहीं करना चाहिए। तो किससे? एक तो जो हमारे विवेक को, हम तो समझदारी से उसका भला करें और वो उसको समझे नहीं। वृत्तियत्वम अविवेकज्ञ, स्नेहम अन्य परे जने। और जो जने जने से प्रेम करता फिरता हो उससे प्रेम नहीं करना चाहिए। तो जो जने जने से प्रेम करे उससे भी प्रेम नहीं करना, और जो प्रेमी की समझदारी को न समझे उससे भी प्रेम नहीं करना। भगवान श्री रामचंद्र कैसे हैं? कृतज्ञश्च। वो तो थोड़ी सी भी कोई उनकी सेवा करे, उनका नाम ले, उनका उल्टा नाम भी ले दे, तब भी भगवान उसके अपने हो जाते हैं। कृतज्ञश्च न स्मरत उपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, कथंचित उपकारेण न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, कथंचित उपकारेण कृते नैकेन पुष्यति। भगवान श्री रामचंद्र का ये गुण है कि कोई सौ सौ अपराध उनका करे, अपकार करे, उनकी बुराई करे, लेकिन उनको याद नहीं रहती है, क्योंकि आत्मवत्तया, वो जानते हैं, वो अपने में स्थित हैं, जानते हैं कि इसमें हमारी कुछ बुराई नहीं है, इसमें हमारी कोई हानि नहीं है,
ये बुराई करने वाला भी अपकार करने वाला भी हमारा आत्मा ही है। कथंचित उपकारेण कृते नैकेन पुष्यते, परंतु स्वभाव तो ये है कि यदि अनजान में भी भूल में भी कोई एकाध उनका उपकार कर दे तो उससे हमेशा के लिए एक उपकार से ही संतुष्ट हो जाते हैं और हजारों अपकार को भूल जाते हैं। सद्धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्य वाक्यो दृढ़ व्रतः, भगवान श्री रामचंद्र का ये गुण है कि वो अनृतम लोक पूर्वम में न च वक्षे कदाचन। भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिज्ञा है कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और न तो मैं आगे कभी झूठ कहूंगा। प्रतिज्ञा के इतने पक्के हैं कि अप्यहम जीवितम जह्याम त्वाम वा सीते सलक्ष्मणाम नहीं प्रतिज्ञाम संस्कृत्य ब्राह्मणे भ्यो विशेषता। मैं अपने शरीर को छोड़ सकता हूँ, सीता को छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक बार यदि हमसे कोई प्रतिज्ञा हो गई तो उसका मैं परित्याग नहीं करूंगा। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। प्रश्न ये है कि अलग अलग एक एक गुण तो बहुतों में मिलेंगे, लेकिन ये सब गुण किसी एक में ही मिले ऐसा कौन है? चारित्रेण को युक्त सर्वभूतेषु कोहितः, विद्वान कह कह समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। आचार सदाचार किसके अंदर निवास करता है, सबकी भलाई कौन करना चाहता है और कौन विद्वान है और समर्थ भी है। कई लोग समझदार तो होते हैं, विद्वान तो होते हैं, परंतु अपनी विद्या के अनुसार आचरण करने का उनके अंदर सामर्थ्य नहीं होता। और कोई लोग सामर्थ्यवान तो होते हैं परंतु समझते ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो ऐसा कौन है दुनिया में एक व्यक्ति जिसमें विद्या भी हो और सामर्थ्य भी हो? कश्चैक प्रियदर्शन, वो कौन है दुनिया में जो सबके लिए एक प्यारे दर्शन, जिसका दर्शन एकमात्र दर्शन सबको बड़ा भारी प्यारा हो? एक प्रिय दर्शन, एकश्च असौ प्रिय दर्शन। कहिए अकेले ही ऐसा कौन है जो सबके लिए प्रिय दर्शन है? कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र के सौंदर्य को देख करके, उनकी प्रियता को देख करके, रमा समेत रमापति मोहे, लक्ष्मी जी सहित लक्ष्मीपति मोहित हो गए। ऐसा वर्णन आता है कि शंकर भगवान, सदानंद भगवान उनकी सुंदरता देखकर प्रसन्न हो गए। सनकादि उनकी निवृत्ति परायण ज्ञानी सनकादि उनकी सुंदरता को देख करके आनंद में मग्न हो गए। यही सुख कर लोलेस जही बारे को सपने लयो, ते नहीं गणत खगेश। तो प्रवृत्ति परायण राजा जनक ने देखा, बोले नहीं विलोकत अति अनुरागा, एक प्रिय दर्शन उनको देख करके कहा हो सकी असको तनधारी जो न मोह यह रूप निहारे। ऐसा कौन शरीरधारी है जो इस सुंदरता को देख करके मोहित न हो जाए? जिन ही निरख मग सांपिनी बीछी, सांपिनी तक बिच्छू तक तो उनकी सुंदरता को देख करके विष छोड़ देते हैं। जलचर जब सेतु बन गया, पुल बन गया और उस पर रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जब चले हनुमान और अंगद के कंधे पर बैठ करके, तो उनको देखने के लिए देखन कहां, सब करुणा कंदा प्रकट भय बहु जलचर वृंदा। जितने पानी में रहने वाले जानवर थे वे सब के सब प्रकट हो गए और तिनकी वोटन देखिए बारी, ऐसे प्रकट हुए कि समुद्र का पानी दिखना बंद हो गया और बंदर लोग उनकी पीठ पर बैठ गए और वो राम को देखते हुए आगे आगे चले और वे भी उनके पीठ पर बैठे बैठे समुद्र से पार हो जाएं। तो इतनी सुंदरता वाला एक प्यारा जो जलचर को भी प्यारा होए, थलचर को भी प्यारा होए, नभचर को भी प्यारा होए, ऋषि को भी प्यारा होए, राजा को भी प्यारा होए, निवृत्ति परायण प्रवृत्ति परायण सबको प्यारा होए, ऐसा एक प्यारा दुनिया में कौन है?
आत्मवान को जित क्रोध हो, द्वितीमान को न सूय कहा, कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। जिसका मन इंद्रिय अपने काबू में होए, जो बोलना चाहिए सोई बोले, रामो द्विर नाभि भाषते। भगवान श्री रामचंद्र का यह नियम है, एक बात मुंह से जो निकल गई सो निकल गई, दोबारा उसको नहीं बोलते हैं। द्विर ददाति न चार्थी व्यः, रामो द्विर नाभि भाषते, द्विशरम नाभि संधत्ते, द्विस्थापयति नाश्रितान। भगवान श्री रामचंद्र का ये नियम है कि वे दो बार बाण नहीं उठाते, एक को मारने के लिए जब एक बार बाण उठाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं इसी बाण से सामने वाले को मार डालेंगे, तब फिर दूसरा बाण नहीं उठाते हैं, एक बाण से ही मार डालते हैं, और किसी को दो बार बसाते नहीं हैं, और किसी मांगने वाले को दो बार देते नहीं हैं, एक ही बार दे देते हैं जो कुछ देना होता है। ज्वर ददा तीन चार दिन गया, रामो द्विर नाभिभाषते, राम दो बार नहीं बोलते हैं। ऐसे रामचंद्र भगवान है आत्मवान, और क्रोध तो उनको कभी छूते ही नहीं है। परशुराम जी गाली पर गाली दिए जा रहे हैं और वो शांत खड़े हैं, जितक क्रोधः। राम रावण के युद्ध में भी रामचंद्र को क्रोध नहीं आता था, बड़ी शांति से रावण के साथ युद्ध करते थे, ऐसा वर्णन आया है। एक दिन देखा उन्होंने कि अब युद्ध में रावण एकदम थक गया है, अस्त व्यस्त हो गया है, तो पुकार के कहा, वाल्मीकि रामायण में ही ये प्रसंग आया है, रावण से कहा कि रावण अब आज युद्ध में शाम भी हो गई है और तुम थक भी गए हो, तो अब आज जाओ तुम विश्राम करो, खाओ पियो सो दवा दारू करो, कल सवेरे फिर आना, तब तुम्हारे साथ लड़ेंगे। तो रामचंद्र भगवान को क्रोध तो आता ही नहीं। जब विभीषण के ऊपर प्रहार करना चाहा रावण ने, तो उस समय वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, क्रोधम आहारया मास, उस समय उन्होंने क्रोध उधार लिया, क्रोधम आहारया मास, पुकार लिया किसी से, दूसरे से गुस्सा मोल लिया, और मोल लेकर के सब रावण विभीषण को ये होठ दांत से दबा के करना चाहिए। क्रोध किसके प्रति किस अवसर पर कितना करना चाहिए, क्रोध अपने वश में होना चाहिए, ये नहीं कि वो फूट के फोड़े की तरह निकल जाए, ऐसा क्रोध नहीं होना चाहिए। तो श्री रामचंद्र का क्रोध उनके वश में है, ज्योतिमान को न सूय कहा, और उनके अंग की जो कांति है वो सदा बनी रहती है। ज्योतिमान को न सूय कहा, ज्योतिमान द्युति उनके अंग की कांति सदा सर्वदा बनी रहती है, और अनसुयु है, वो किसी के गुण में दोष नहीं निकालते हैं। एक आदमी संध्या वंदन कर रहा हो तो एक ने तारीफ की, ये तो संध्या वंदन करते हैं, देखो कितने अच्छे आदमी हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, कितने अच्छे हैं, एक ने तारीफ की। तो दूसरे ने कहा कि ये सब दिखाने के लिए है महाराज, आप भोले भाले हैं, समझते नहीं है, पानी फेर दिया, अरे सब का सब पर, सब बात ही पर पानी फेर दिया कि ये सब दिखाने के लिए है, अरे वो तो इतना अच्छा काम करता है और तुम दिखाने के लिए कह करके उसको गिराते हो। तो कभी किसी के गुण में दोष नहीं निकालना चाहिए, गुण का वर्णन होए तो उसमें गुण का वर्णन करना चाहिए, कोई एक गुण बतावे कि इसमें एक गुण है, तो भाई ये एक माला रज जप रोज करते हैं, गुण बता दिया। तो दूसरे ने कहा कि जप ही नहीं करते हैं, ध्यान भी करते हैं, ये बातचीत का ढंग ये होना चाहिए कि वो बात जो है और उत्तम होए और चमक जाए, बात को गिराने का ढंग नहीं होना चाहिए। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे, और युद्ध भूमि में जब क्रोध का आहरण करते हैं तो संसार के सब देवता लोग किससे भयभीत होने लगते हैं। एतदिच्छाम्य हम श्रोतुम परम कौतूहलम्, महर्षे त्वम समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधम नरम। प्रश्न है, मेरे मन में बड़ा कुतूहल है, मैं जानना चाहता हूं कोई ऐसा कौन है। हे नारद महर्षि, आप समर्थ हैं एवं विधम नरम ज्ञातुम समर्थ हो से,
इस प्रकार के मनुष्य को जानने में आप समर्थ हैं। यातुमेवं विधम नरः, भगवान स्वयं अपनी भगवत्ता को छिपाए करके, अपने ब्रह्मपने को छिपाए करके मनुष्य के रूप में, राम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो सेवक का काम यह होता है कि यदि मालिक अपनी कोई बात छिपाता होए, तो मालिक एक गुना छिपाता हो तो सेवक उसको 10 गुना छिपा दे। और ये नहीं कि मालिक तो उसको छिपाता हो और सेवक अपनी बुद्धि बताने लगे कि मैं समझ गया, इनका मतलब तो ये है। तो यदि मालिक बात को छिपाता हो तो सेवक को भी छिपाना चाहिए। तो वाल्मीकि जी महाराज जो प्रश्न करते हैं उसमें हम भगवान के बारे में पूछ रहे हैं, ब्रह्म के बारे में ये बात नहीं पूछते हैं। वो कहते हैं हम तो ऐसे मनुष्य के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा मनुष्य कौन है। अब ये जब प्रश्न हुआ तो नारद जी महाराज तो तीनों लोक का हाल जानने वाले हैं, बोले कि अच्छा वाल्मीकि जी सुनो, हमको तुम्हारा प्रश्न सुन करके बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। बहो दुर्लभाश्चैव जे त्वया कीर्तिता गुणा, मुने वक्ष्याम्य हम बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयताम नरः। नारद जी महाराज बोले कि जो गुण तुमने बताए हैं नारद जी, जिनका कीर्तन किया है, ये गुण है सब, इसमें तो कोई शंका नहीं, लेकिन दुर्लभ है। एक एक गुण तो किसी किसी आदमी में होए, किसी किसी मनुष्य में होए, सब के सब गुण किसी एक में मिले ये तो बड़ा दुर्लभ है। लेकिन मैं समझ गया कि तुम क्या पूछ रहे हो, इसलिए तैर युक्त नर श्रूयताम, उन सब सद्गुणों से युक्त मनुष्य का वर्णन श्रवण करो। उपनिषदों में परब्रह्म परमात्मा का वर्णन है और रामायण में भगवान राम का वर्णन है। जो उपनिषदों का ब्रह्म है वही राम है। इस बात को समझाने के लिए टीकाकारों ने बड़ा भारी जोर लगाया है। वो तो पद पद में, एक एक श्लोक में, एक एक श्लोक में नहीं, एक एक शब्द में है। वो यही चाहते हैं कि हम ये सिद्ध कर दें कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। परंतु नारद जी महाराज ने जो वाल्मीकि जी को सुनाया का, उसमें तो उन्होंने बिल्कुल मनुष्य के रूप में भगवान का वर्णन किया। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर जो दितिमान धृतिमान वसी। इक्ष्वाकु के वंश में उनका जन्म हुआ है। जैसा मनुष्य तुम पूछते हो वैसे मनुष्य का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ है, और उस मनुष्य का नाम राम है, और उसको दुनिया के लोग सब जानते हैं, रामो रामो राम इति जनानाम भवन कथाः। लोगों के मुंह में, लोगों के कान में आज राम राम का ही निवास है। कान में भी राम, मुंह में भी राम, जी मन में भी राम, बड़ा शक्तिशाली है वो राम, और उसका मन उसके वश में है, उसकी शोभा की कोई बराबरी नहीं है, और वो बड़ा धैर्यशाली है, कभी व्याकुल नहीं होता है, विपत्ति से विपत्ति पड़े परंतु उसकी धृति खोती नहीं है, और बसी उसकी इंद्रियां सब की सब, उसकी इंद्रियां सब की सब बस में है। रमयति सर्वान गुणै ही इति रामः, जो अपने गुणों से सबको आनंद दे उसका नाम राम होता है। रामो रमयताम वरः, रमन्ते अस्मिन् सर्वे जनाः गुणैः इति रामः, जिसके गुणों से लोग उसमें रम जाते हैं उसका नाम राम होता है। रमन्ते जोगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि, इसलिए उनका नाम राम होता है। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मि श्रीमान शत्रु निवर्हणः विपुलांशो महाबाहो कम्बुग्रीवो महारुहः। बुद्धिमान है, असल में जिसकी शरण लेनी चाहिए उसमें दो गुण होना आवश्यक है। एक तो आश्रित कार्य निर्वाहकत्व, जिस काम के लिए मनुष्य शरण में आया है उस काम को बना दे, और दूसरे आश्रयण सौकर्या पादकत्व,
माने जो वो आश्रय ले रहा है हाथ पकड़ के अपने पास खींच ले। दो बात चाहिए, कोई कमजोर आदमी किसी के पास जाता है, जीव ईश्वर के पास जाता है, भक्त भगवान के पास जाता है, कहे प्रभु आप हमको अपना लीजिए, हमारा ये काम कर दीजिए, हमको अपने में मिला लीजिए, यही सबसे बड़ा काम है। तो यदि ईश्वर जीवात्मा को अपने साथ एक न कर सकता हो, मिलाए न सकता हो, तो वो शरण लेने योग्य नहीं होता है। और दूसरे, यदि ईश्वर उसको अपने पास पहुंचाने में मदद न करे, तो भगवान दोनों काम करते हैं, लेते हैं आश्रयण सौकर्या पादन इसको बोलते हैं, और आश्रित का जो कार्य है परमात्मा से मिल जाना, कब वो मिला भी लेते हैं। तो ये भगवान श्री रामचंद्र बुद्धिमान है, नीतिमान है, बोलने में बड़े निपुण है, श्रीमान है, और शत्रु को, जो भक्त है उसके शत्रु के नष्ट कर देते हैं, स्वयं सर्वज्ञ है, जह सर्वज्ञ सर्ववेत, मर्यादावान है, भाता यथा पूर्वम अकल्पयत, और इसके बाद शरीर संपदा का वर्णन करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आंखों के लिए और रक्षा के लिए शरीर संपदा की भी जरूरत होती है। तो भगवान श्री रामचंद्र के कंधे बड़े बड़े हैं, उनकी भुजा हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ है, उनकी गर्दन शंख के समान है, लंबी ऊंची और चढ़ाव उतारदार, और उनकी हनु बहुत बड़ी है, उनका वक्षस्थल बहुत बड़े ऊंचा ऊंचा उनका वक्षस्थल है, धनुष बहुत बड़ा धनुष धारण करते हैं, उनकी हसली छिपी रहती है, वो दुश्मन उनके सामने टिक नहीं सकता, बाहें उनकी लंबी लंबी हैं, सिर बड़ा सुडौल है, ललाट बड़ा सुंदर है, और पराक्रम करते हैं सम, उनका एक एक अंग सुडौल, एक एक अंग के अनुसार ही उनके उनका दूसरा अंग है समस्तम विभक्तांग, स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, उनके एक कभी बराबर बराबर होए तो आदमी की सुंदरता चली जाती है, दोनों कान बराबर हैं, दोनों हाथ बराबर हैं, दोनों पांव बराबर हैं, और अंगों का विभाग बराबर है, उनके रंग में से कोई चिकनाई स्नेह जैसे घी मक्खन जैसे उनके शरीर में भरा हुआ हो ऐसा मालूम पड़ता है, बड़े प्रतापी, उनका वक्षस्थल चौड़ा, आंखें बड़ी बड़ी, बड़ी सुंदर सुंदरता उनके एक एक अंग में, और शुभ लक्षण, धर्मज्ञ सत्य संदश्च, धर्मज्ञ सत्य संदश्च प्रजानां च हितेरतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः सुचि वंश्य समाधिमान प्रजापति समश्रीमान धाता, प्रजापति समश्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, धर्मज्ञः सत्यसंधश्च, धर्मज्ञ है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं होता है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र को ये बात मालूम है कि जो अपनी शरण में आवे उसकी रक्षा अवश्य करना, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, भगवान की प्रतिज्ञा है कि कोई हमारा मित्र बन करके आवे तो मैं उसका कभी परित्याग नहीं करता हूँ, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगर हितम, भले वो दोषी होए लेकिन सत्पुरुष के लिए ये अगर्हित है, अनिंदित है, कि शरणागत चाहे कितना भी दोषी होए यदि वो अपनी शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। और श्री रामचंद्र की प्रतिज्ञा सच्ची है, वो सब कुछ छोड़ने को, अप्यहम जीवितम जज्ञाम त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम, भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिज्ञा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मी च जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, उनकी प्रतिज्ञा बिल्कुल सच्ची है, एक बार केवल एक बार कोई उनकी शरण में आ जाए
और उनका पांव पकड़ ले, चक्रदेव प्रपन्न आया और मुंह से बोल दे मैं तुम्हारा हूं। भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण प्राणियों से उसको निर्भय कर देता हूं और चाहे वो शरण में आने वाला कोई प्राणी हो उसको मैं निर्भय कर देता हूं। ऐसी भगवान की प्रतिज्ञा है। यशस्वी हैं, ज्ञान संपन्न हैं, पवित्र वंश पवित्र हैं और सुचिर वश्या समाधिमान स्वयं में पवित्र हैं और अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। वश्या का अर्थ यह है वशीभूत हो जाते हैं। यदि प्रेम से उनका कोई नाम ले, प्रेम से उनको कोई पुकारे, प्रेम से उनकी कोई सेवा करे तो सुचिर वश्या प्रतापवान वो स्वयं नेत्र स्नेहेन सौभाग्यम दंत स्नेहेन भोजनम त्वच स्नेहेन सज्जाच पाद स्नेहेन वाहनम। ये महापुरुष जो होते हैं उनके शरीर में जो चिकनाई होती है, आंखों में चिकनाई हो तो सौभाग्यवान होते हैं, दांत में चिकनाई हो तो भोजन बढ़िया मिलता है, और त्वचा में चिकनाई हो तो सज्जा उत्तम मिलती है, और पाद में चिकनाई हो तो वाहन उत्तम मिलता है। बड़े प्रतापवान तीन वक्षा हैं। इसके बाद बतलाते हैं कि भगवान के शरीर की जो सुंदरता है वो तो भगवान के जो भक्त हैं आश्रित हैं उनके दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन करते हैं, परंतु आश्रित की रक्षा के लिए जो उपयोगी गुण हैं वे सब के सब भगवान श्री रामचंद्र में हैं। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करते हैं। ये नहीं कि जो अपना भक्त है प्रेमी है शरण में आया है उसी की रक्षा करें, बल्कि प्रजानाम च हिते रतः वो संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करते हैं। बड़े यशस्वी हैं, ज्ञान संपन्न हैं और श्रीमान हैं, धाता हैं, शत्रुसूदन हैं, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, रक्षिता स्वजीवलोकस्य। भगवान श्री रामचंद्र लोके सार्वभौमः स्वकीय जन रक्षणे एव जतते। दुनिया में जो बादशाह लोग होते हैं सार्वभौम होते हैं वो अपने अपने राष्ट्र की जो प्रजा होती है उसकी रक्षा के लिए प्रयास करते हैं कि ये हमारे राज्य की प्रजा है इसकी रक्षा करनी चाहिए। कहिए केवल अपने राज्य की प्रजा की रक्षा करने वाले नहीं हैं, बल्कि कोई भी प्राणी हो स्वर्ग में रहता हो नरक में रहता हो अपने राष्ट्र का हो दूसरे राष्ट्र का हो सबकी रक्षा करते हैं। भाई यदि सबकी रक्षा करेंगे तो पापी को भी सुख देंगे। बोले धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म की भी रक्षा करते हैं और सबकी रक्षा भी करते हैं। ये बात कैसे होती है? ये बात ऐसे होती है कि यदि पापी से कोई पाप हो गया तो पहले उसके पाप को शुद्ध करके और फिर उच्छास्त्र प्रवृत्ति यदि उसके अंदर है तो जैसे चिकित्सक पहले शरीर में रहने वाले फोड़े को निकाल देता है और फिर उसकी दवा दारू करके ठीक करता है, इसी प्रकार भगवान धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा में दो चीज चाहिए, केवल व्याख्यान देने से धर्म की रक्षा नहीं होती। आचरण प्रचारणाभ्याम सर्व धर्मस्य व्यवस्थापयिता, आचरण के द्वारा और प्रचारण के द्वारा दोनों के द्वारा संपूर्ण धर्म को व्यवस्थित करना चाहिए। और यदि कोई पापी हो तो उसके जीवन में जो पाप है उसको निकाल करके और उसकी रक्षा करना चाहिए। भगवान सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों के रक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, अपने धर्म की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों के धर्म की भी रक्षा करते हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान। भगवान श्री रामचंद्र वेद और छहों वेदांग उनके रहस्य को जानते हैं, धनुर्वेद को जानते हैं, सारे शास्त्रार्थ का जो तत्व है, संपूर्ण शास्त्रों का जो मूल मूल वास्तविक तत्व है उसको जानते हैं। अब कोई कहे कि भाई जानते तो सब हैं,
परंतु समय पर याद ही नहीं आया। बोले स्मृतिमान प्रतिभावान ज्ञातार्थ विषय विस्मरण लेश रहिता, जो उन्होंने समझा है जो जाना है उसकी विस्मृति नहीं होती है। और कहो भाई विस्मृति तो नहीं है लेकिन समय पर व्यवहार काल में उसका उदय नहीं हुआ, तो स्मृतिमान प्रतिभावान का अर्थ है कि चाहे सुनी हुई बात हो चाहे अनसुनी बात हो, व्यवहार के समय झटपट वो स्फुरित हो जाती है। अनसुनी बात, अनजानी दे बात, अनदेखी बात, ये सब की सब भगवान श्री रामचंद्र को समय पर अपने आप ही खुल जाती है। तो ज्ञान भी है और उस ज्ञान की स्मृति भी है और उस स्मृति का व्यवहार के समय पर स्फुरण भी है। सर्वलोक प्रिय साधु अधीनात्मा विचक्षण, सब उनको सर्वलोक प्रिय। भगवान रामचंद्र की एक विशेषता यह है कि दुनिया ईश्वर की आराधना करती है। होंगे बहुत सारे ऐसे ईश्वर अवतार लेकर आए होंगे जिनसे संसार ने प्रेम किया होगा, लेकिन रामचंद्र ऐसे हैं जो सबसे प्रेम करते हैं। भगवान राम उपासित लोकस्य, रामचंद्र की विशेषता यह है कि उपासितो लोको जेन, उन्होंने लोक की उपासना की है, माने वो सबसे पूजा लेने वाले नहीं है बल्कि सबकी पूजा करने वाले, सबको देने वाले। सर्वे लोकाः प्रिया जस्य असौ सर्वलोक प्रियः, सारे लोग जिनके प्यारे हैं उनका नाम है सर्वलोक प्रियः उपासित लोकस्य, अथवा सब लोग उनसे प्यार करते हैं सर्वलोक प्रियः। साधु दूसरों का काम बना देते हैं, अधीन आत्मा किसी भी प्रकार का दैन्य उनके अंदर नहीं आता है, और सर्वदा भिगतः सद्भिः समुद्रैव सिन्धुभिः, जैसे सारी नदियां जा करके समुद्र में मिलती हैं वैसे सभी सत्पुरुष जा करके भगवान रामचंद्र से मिलते हैं। उनके अंदर किसी प्रकार की कृपणता नहीं है, किसी भी प्रकार की दीनता नहीं है, उनकी प्रकृति अत्यंत गंभीर है और हमेशा सद्भि परिवारितः सत्पुरुष उनको घेरे रहते हैं। यहाँ तक वाल्मीकि रामायण में, इस रामायण में यहाँ तक वर्णन आया कि भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अस्त्रों का अभ्यास करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे और रोज उनका अभ्यास करते थे। तो अभ्यास करते समय क्या होता कि जब बीच बीच में थकान हो जाती और थोड़ी देर के लिए बैठ जाते विश्राम करने के लिए, तो उस समय भी उनके पास आकर लोग उत्तम उत्तम चर्चा करते। ज्ञान वृद्धैर वयो वृद्धैः शील वृद्धैश्च सज्जनैः कथयन् नास्तवै नित्यम् अस्त्र योग्यान्तरेष्वपि, अस्त्रों का धनुष का बाण का अभ्यास करते समय भी जब वो कहीं बैठते तो बड़े बड़े ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध शील वृद्ध सज्जन आते और उनसे बातचीत करते। और जैसे समुद्र में समुद्र नदियां जाकर के मिलती हैं वैसे मिलते हैं। वो राम को समझाने के लिए नहीं आते, राम तो स्वयं पूर्ण है, उन्हीं को रामचंद्र के पास जाने से अपूर्व अर्थ का लाभ होता। सिंधवो ही स्वसत्ता लाभाय एव समुद्रम अभियंति न तु तस्यातिशयापादनाय, नदियां जाकर जो समुद्र में गिरती हैं वो इसलिए नहीं गिरती हैं कि हम समुद्र को बढ़ा देंगे, बल्कि इसलिए जाके गिरती हैं कि वो स्वयं अनंत हो जाएं। इसी प्रकार दूसरे ज्ञानी पुरुष भगवान रामचंद्र के पास जाया करते थे। आर्य सर्व समश्चैव सदैक प्रिय दर्शनः सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्रैव गाम्भीर्ये धैर्येणो हिममानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोऽभवत् प्रियदर्शनः। अब कहते हैं कि ये जो भगवान श्री रामचंद्र हैं ये सर्वदा अभिगमन करने योग्य हैं, और जो उनके पास आवे सबके साथ मुस्कुरा के बात करना, सबके लिए समान और सबके प्यारे और सब गुणों से युक्त, ये कौशल्या आनंद वर्धन। अब जन्म का हेतु बताते हैं कौशल्या आनंद वर्धना,
आनंद के रूप जैसे आनंद मनुष्य के हृदय में आता है, रहता है, प्रकट होता है, उसी प्रकार ये आनंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जैसे कौशल्या माता के हृदय में आते हैं और बढ़ते हैं और प्रकट होते हैं। ये कोई ब्रह्मा आदि देवता नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। ये किसी लोक विशेष से नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो ऐसा वर्णन करते हैं कि साक्षात ब्रह्म ही अपने सादगुण से, अपने गुणों के कारण वो राम के रूप में प्रकट हुआ है। अधिदैव, अध्यात्म और अद्भुत, ये तीनों ईश्वर के विशेषण होते हैं। साधिभूताधिदैवम साधिजज्ञञ्च जय विदु, ये तीनों अधिदैव अधिभूत आदि ईश्वर के विशेषण होते हैं और ईश्वर स्वयं तीनों का नियंता होता है। वो जो सगुण निराकार सर्वव्यापी परमेश्वर है, पग बिनु चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी, त्वक बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे ग्रान बिनु वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, सोई आज प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गोद। ये कौशल्या की प्रेम भक्ति है जो अपने को गोद बना लेती है और परब्रह्म परमात्मा को ही, स्वयं परमात्मा को ही बालक बना लेती है। पहले से किसी रूप में रहने वाले जो भगवान है वो नहीं आते हैं, बल्कि प्रेम भक्ति के कारण रूप ग्रहण करके प्रकट करके भगवान आते हैं। भगवान रामचंद्र की गंभीरता समुद्र के समान है, उनका धैर्य हिमाचल के समान है, वो वीर्य में विष्णु के सदृश हैं और चंद्रमा के समान प्रियदर्शी हैं, क्रोध में कालाग्नि के समान है, क्षमा में पृथ्वी के समान है और त्याग में हनद के समान है। कुबेर की जो महिमा है वो ये नहीं है कि उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, धन इकट्ठा करने में तो लोभ कृपणता बेईमानी बहुत सारे दोषों की संभावना रहती है, लेकिन कुबेर के समान रामचंद्र हैं। ये बात क्यों कह रहे हैं, यहाँ बताया धनदेव समस्त त्यागे, जैसे कुबेर सबको धन देते रहते हैं वैसे रामचंद्र भगवान सबको धन देते रहते हैं। सत्य में साक्षात धर्म के समान है, तमेवं गुणसंपन्नम रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठैर्युक्तं प्रियं नतर्वसुरं, इस प्रकार सत्यपराक्रम सर्वगुण संपन्न श्री रामचंद्र दशरथ जी के बड़े प्यारे श्रेष्ठ गुणों से युक्त और ज्येष्ठ, ये पुत्र है। वेदांत में जो गुण बताया जाता है परब्रह्म परमात्मा में, जगत कारण होना, सर्वज्ञ होना, सर्वशक्तिमान होना, सर्वांतर्यामी होना, समस्त कल्याण गुण गणाकर होना, वही प्रभु जो है वो दशरथ का पुत्र बनकर के आया है। दशरथ शब्द का अर्थ होता है दससु अप्रतिहतो रथो यस्य, दससु दिक्षु, दसों दिशाओं में बिना रोक टोक के जिसका रथ चलता हो उसका नाम दशरथ होता है। और दशमुख उसको कहते हैं जो दसों इंद्रियों के द्वारा मुख के समान विषयों का भोग करे, उसका नाम दशमुख होता है। रावण कौन है कि जो संसार के विषय भोग में अपनी सब इंद्रियों से जुट गया है, और दशरथ कौन है जो दसों के ऊपर काबू करके बैठा हुआ है। तो भगवान रामचंद्र पुत्र किसके होते हैं कि जो दसों इंद्रियों को अपने काबू में रखता है, और भगवान रामचंद्र मारते किसको हैं कि जो दसों इंद्रियों के द्वारा भोग में लग जाता है। अब ऐसे रामचंद्र भगवान को दशरथ के मन में ये इच्छा हुई कि इनको राजा बना दें, क्यों जंबराज जी ने युवराज बना दें, इनको राजा तो स्वयं थे, ये हुआ कि हमारे रहते
ये युवराज पद पर इनका अभिषेक हो जाए। क्यों? रामचंद्र सारी प्रजा का हित चाहते हैं और सारी प्रकृति इनसे प्रेम करती है। प्रकृति नाम हितैर्युक्तम प्रकृति प्रिय काम्यया, दोनों बात बताई गई। ये बात कही गई एक कि रामचंद्र प्रजा का हित करते हैं और दूसरी बात ये कही गई कि प्रजा रामचंद्र से प्रेम करती है। ये दोनों बात जहां होए वहां युवराज होने की योग्यता आती है। और तीसरी बात ये कही गई कि राजा की इच्छा है कि इनको युवराज बना दिया जाए। तो ये रामचंद्र की योग्यता बताई कि उनके ऐसे गुण हैं, सबका भला चाहते हैं, वही युवराज होना चाहिए और प्रजा जिसको चाहती है वही युवराज होना चाहिए और पिता जिस पुत्र को युवराज बनाना चाहता है उसको युवराज होना चाहिए। सो जब तैयारी हुई राज्याभिषेक की, जब राज्याभिषेक की, तो उनकी जो पत्नी भी कैकेयी तस्याभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्या अथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी परमेनम अयाचत विभाषणम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। इसका नाम मूल रामायण है। एक अध्याय में रामायण की पहले पूरी बात जैसे सूची पत्र हो वैसे बताए करके बाद में फिर रामायण का विस्तार किया हुआ है। ये रामायण का मूल रामायण जैसे बीज में बड़ का पेड़ रहता है वैसे ये बीज रूप है और इसमें सारा रामायण भरा हुआ है। तो संक्षेप में बात कही जाती है। कैकेयी महारानी थी। सो एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी इनको अपने साथ लेकर युद्ध करने के लिए गए। ये बहुत निर्भय थी राजकुमारी, युद्ध विद्या में बड़ी निपुण थी कैकेयी जी। जब दशरथ जी जाने लगे युद्ध करने के लिए तब कैकेयी जी ने कहा कि मैं भी चलूंगी, उनको भी रथ पर बैठा लिया। देवासुर संग्राम में युद्ध करते करते ऐसा हुआ कि दशरथ जी का जो रथ था उसके धुर्रे की एक कील टूट गई। अब वो कील टूट जाने पर तो पहिया बिखर जाए और रथ गिर पड़े तो दशरथ जी हार जाए। लेकिन उस समय कैकेयी ने अपने हाथ का सहारा दे करके उस धुर्रे को पकड़ लिया और पहिए को गिरने नहीं दिया। जब तक वो युद्ध करते रहे तब तक उन्होंने अपना हाथ उसमें लगा के रखा। उनको किसी महात्मा की बड़ी सेवा की थी कैकेयी जी ने, तो उन्होंने अब उनको वरदान दे दिया था कि तुम्हारे हाथ को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो टूटेगा नहीं। वो वरदान कैकेयी को था। तो उस वरदान के कारण उन्होंने रथ में हाथ डाल दिया, धुर्रे की कील में अपनी उंगली डाल दी और धुर्रे को पकड़ लिया और रथ जो है वो पहिया जो है वो गिरा नहीं। तो जब बाद में दशरथ जी को मालूम हुआ कि मैं तो हार गया था बल्कि मर जाता इस युद्ध में असुर लोग मार डालते, कैकेयी ने हमको बताया है तो बचाया है हमको, तब उन्होंने कहा कि कैकेयी जी तुमको जो इच्छा हो सो हमसे बार मान लो। उसने कहा महाराज बर तो आप ही मिले हैं हमको, हमारे बर तो आप ही हैं, आपके सिवाय हमको और बर क्या चाहिए। लेकिन दशरथ न माने तो उसने कहा अच्छा आप बर दीजिए, एक उन्होंने कहा एक नहीं दो देंगे। तो कैकेयी ने कहा कि अच्छा आप बर देते हैं तो ये बड़ी उदारता है आपकी, आप ये बर अपने पास ही रखिए, जब समय आवेगा तब हम आपसे मांग लेंगे। माने उस समय कैकेयी के मन में बर मांगने की कोई बात नहीं। अब जब सुना उसने कि भरत और शत्रुघ्न तो गए हैं मामा के घर और यहाँ दशरथ जी बड़ी जल्दी में राम को युवराज बना रहे हैं और हमको बताया तक नहीं, तब उसके मन में मंथरा में जा करके उसके मन में भेद बुद्धि डाल दे। क्योंकि कैकेयी के बारे में रामायण की एक भी महिमा है कि रामायण में जितने पात्र हैं वो सब रामचंद्र भगवान से प्रेम करते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो राम से प्रेम न करता हो। एक कथा आती है कि एक दिन कैकेयी
रामचंद्र से बहुत प्रेम करती थी। इतना प्रेम करती थी कि राम जी कौशल्या के पास न जाए, कैकेयी के पास रहें, उसी के यहाँ खाएं, उसी के पास पिए और उसी के गोद में सोना चाहें। रामचंद्र तो कैकेयी को छोड़ करके जाना ही नहीं चाहते। एक दिन क्या हुआ कि रामचंद्र पीछे से आए और उन्होंने दोनों हाथ से कैकेयी की आंख बंद कर ली, पीछे से आके आंख बंद कर ली। अब कैकेयी ने पहले तो कहा कौन कौन कौन, तो राम जी बोले नहीं तो पूछे, उसने कहा कि हम पहचान गए भाई, ये तो राम का हाथ है, राम हमारी आंख बंद कर रहे हैं, क्या है बात बेटा? तो राम जी ने कहा कि बात ये है माता जी कि हम जो चाहते हैं वो हमको दो, तब हम ये आंख तुम्हारी छोड़ेंगे, नहीं तो आंख बंद तुम्हारी हम पकड़े रहेंगे। कैकेयी ने कहा बेटा ऐसा हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम तुमको न दे सके, तुम्हें जो चाहिए सो सब देंगे। तीन बार वादा प्रतिज्ञा करवा करके तब रामचंद्र ने कहा कि माता तुम हमारे अवतार का प्रयोजन पूरा करो, हम आए हैं धर्म की स्थापना के लिए, रावण का वध करने के लिए, यदि राजा हमको राज्य दे देंगे और यही हम राज्य में फंस जाएंगे तो फिर यही भोग राग में लग जाएंगे, और ये जो धर्म की स्थापना ऋषियों के बीच में जाके दंडकारण्य में चित्रकूट में सत्संग है, ऋषियों के बीच में रहना है, वन का जीवन व्यतीत करना है, वो सब का सब रह जाएगा, इसलिए तुम हमको ये वरदान दो कि 14 बरस के लिए हम वन चले जाएं और भरत राजा हो जाएं। तो कैकेयी को बड़ा दुख हुआ पर वो बोले कि नहीं ये हमारा गुप्त काम है, हम अवतार ही हमने इसीलिए लिया है, इसलिए तुम जब मानोगी तब ये बात बनेगी। इसी से कहते हैं कि कैकेयी को जो लोग गाली देते हैं वो भी ठीक नहीं करते हैं। कैकेयी को तो रामचंद्र बहुत मानते हैं, चित्रकूट में सबसे पहले उसी के पास जाते हैं, अयोध्या में लौट के आते हैं तो सबसे पहले कैकेयी के घर में जाते हैं, वो तो राम की खास अंतरंग व्यक्ति है, इसलिए जननी दोष देही जड़ देही सपने साधु सभा नहीं सही। माता को रामचंद्र भगवान कहते हैं कि जननी को दोष वो देता है, हमारी माता कैकेयी को दोष वो लगाता है जिसने स्वप्न में भी साधु सभा का सेवन नहीं किया है। किसके हृदय में क्या भाव है ये मालूम तो पड़ता नहीं। अब तो कैकेयी ने रामचंद्र की प्रेरणा से समझो, क्योंकि बिना उनकी प्रेरणा के दूसरा कोई कुछ कर तो सकता नहीं। विभाषणम च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम, दो वरदान कैकेयी ने मांगा, एक तो ये कि रामचंद्र का वनवास हो और दूसरे भरत का अभिषेक हो। अब तो राजा दशरथ अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे, धर्म के फंदे में फंसे हुए थे, उन्होंने अपने प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। रामचंद्र ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यहाँ देखो दशरथ जी ने कैकेयी की शरण ग्रहण कर ली, माने जो कैकेयी कहे सो करेंगे, इसलिए शरण भी छोटी किस्म के लोगों की शरण नहीं ग्रहण करना चाहिए, एक बात। और कैकेयी ने दशरथ की शरण नहीं ली, दशरथ ने राम की शरण नहीं ली, दशरथ ने कौशल्या की शरण नहीं ली, दशरथ ने कैकेयी की शरण ली, इसलिए उनको दुख मिला। और कैकेयी ने दशरथ की शरण नहीं ली, राम की शरण नहीं ली, कौशल्या की शरण नहीं ली, उसने तो मंथरा की शरण ली। सो मंथरा की शरण लेने के कारण छोटे शरण लेना हो तो जो सबसे बड़ा है भगवान उसकी शरण लेनी चाहिए, अपने से बड़े की शरण लेनी चाहिए, छोटे की शरण नहीं लेनी चाहिए। इसलिए दशरथ जी ने कैकेयी की और कैकेयी ने मंथरा की शरण ली। रामायण में जहां जहां शरणागति का प्रसंग है वो इतना अद्भुत है, विभीषण की शरणागति, सुग्रीव की शरणागति, रामचंद्र भगवान समुद्र की शरणागति लेते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है भाई? शरण तो हमेशा विभीषण जो है उन्होंने रामचंद्र को सलाह दे दी,
कि मैं आपकी शरण में आया हूं तो मेरा काम बन गया, आपने हमको स्वीकार कर लिया, तो शरणागति की बड़ी महिमा है, आप भी समुद्र की शरण में जाइए तो आपका काम बन जाएगा। परंतु समुद्र तो जड़ है, जड़ की शरण नहीं लेनी चाहिए, ये बात सिद्ध करने के लिए वहां शरणागति को असंगत कर दिया है। भगवान श्री रामचंद्र अपनी प्रतिज्ञा के बड़े पक्के, अपने पिता की आज्ञा मानकर और कैकेयी का प्रिय करने के लिए, एक शब्द यहाँ जो दिया कैकेय्या प्रिय कारणात्, भगवान श्री रामचंद्र ने कैकेयी का भी प्रिय हो यही विचार किया। जैसे भरत का राज्य होने से अगर कैकेयी को अच्छा लगता है तो भरत का ही राज्य हो, उसमें वो तो हमारे बहुत प्यारे हैं। तम प्रजंतम, श्री रामचंद्र भगवान ने कैकेयी का भी अप्रिय अहित होवे, कैकेयी का भी अप्रिय होवे, कैकेयी के लिए नापसंद कोई काम होवे, ये भी उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने अपने ध्यान में रखा, कैकेयी का अप्रिय न हो उनका भी प्रिय होवे। तो असल में सिद्ध साधन का, श्री दशरथ जी ने सिद्ध साधन का परित्याग कर दिया और काश कुश का अवलंबन किया। कोई कुएं में गिरा हुआ हो उसको निकालने के लिए सवारी भेजी जाए, रस्सी भेजी जाए, झूला भेजा जाए कि उस पर चढ़ के आवे, और उस पर तो न चढ़े वो और काश कुश का अवलंबन करे। इसी प्रकार दशरथ ने कैकेयी की बात का अवलंबन लिया, इसीलिए आगे चलकर उन्हें मृत्यु का अनुभव करना पड़ा। तो मुमुक्षुणा दशरथवत् न वर्तितव्यम् इत्युक्तम् भवति, ये शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य को दशरथ के समान बर्ताव नहीं करना चाहिए, मनुष्य को बर्ताव करना चाहिए कौशल्या के समान, राम के समान, और अपने पिता की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। श्री रामचंद्र भगवान ने बताया पितृ वचन परिपालनम अवश्यम कर्तव्यम, अपने पिता की आज्ञा और ये बताते हैं कि वो कैकेयी का भी प्रिय ही करना चाहते थे। तदनु ही वचनम देवी राज्ञो जलधिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते। श्री रामचंद्र भगवान ने कहा कि हे देवी, हे कैकेयी, राजा हमसे खुद नहीं कह रहे हैं कि वन में जाओ, उनके मुंह से वाणी नहीं निकलती है, लेकिन तुम तो उनकी बड़ी प्यारी हो, तुम्हें तो मालूम है ना कि राजा क्या चाहते हैं। राजा जो चाहते हैं वो हमको मालूम करा दो तुम, मैं वही करूंगा, प्रतिज्ञा करता हूँ रामो द्विर्नाभिभाषते, राम के मुंह से दोबारा कोई बात नहीं निकलती है, एक बार कह दिया मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा तो उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। सो इसी अभिप्राय से भगवान श्री रामचंद्र ने वन की यात्रा की। इसका अब तक जो वर्णन किया गया उसका अर्थ है कि भगवान श्री रामचंद्र समस्त कल्याण गुण गण से परिपूर्ण है और सबसे परे हैं। शंकराचार्य भगवान श्री रामचंद्र के परत्व का वर्णन करते हैं और श्री रामानुजाचार्य श्री वल्लभाचार्य भगवान के वैभव का और उनके सगुण रूप का वर्णन करते हैं। असल में परत्व जो निर्विशेष परत्व होता है उससे निर्विशेष आत्मा की एकता हो जाती है, और जो सगुण अपनी अपेक्षा जो अधिक गुण वाली वस्तु होती है कब उसकी शरणागति ली जाती है, उसकी भक्ति की जाती है। सो देखो, अभिषेक की प्रवृत्ति को निवृत्त करना ही भगवान ने श्रेष्ठ माना। ऐसा क्यों माना? कभी अभिषेक का निमित्त तो आ गया था, राज्याभिषेक तो हो जाता, परंतु इससे क्या होता, इससे भगवान रामचंद्र सबके लिए सुलभ न रह जाते। ये जो सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन, ये जो सब महात्माओं के पास जा जाकर मिलते हैं, सबरी के घर जाते हैं, कि यहाँ तक कि जटान का धूर जटायु की धूर जटान सौ धारी,
जटायु के शरीर में जो धरती पर गिरने से धूल लगी हुई थी उसको भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी जटा से झाड़ी। सबरी के घर गए, सुग्रीव के घर गए, और सुग्रीव के घर नहीं, जो लाख लाख करोड़ करोड़ बंदरों से जो भगवान का मिलना हुआ, वो मिलना तो राज स्वीकार करने से होता नहीं। तो भगवान रामचंद्र ने अपने को ब्रह्म के समान दुर्लभ रहने देने के लिए राज्य स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने को सबके लिए सुलभ बना देने के लिए वन गमन स्वीकार किया। अब ये परत्व और सौलभ्य के अनुगुण समाश्रय बोलते हैं। तम व्रजन तम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो नुजगाम स्नेहा विनय संपन्न सुमित्रा नंद वर्धन भ्रातरम दयितो भ्रातु श्रौभ सौभ्रात्रम अनुदर्शन दर्शयन। जब भगवान श्री रामचंद्र जाने लगे तो उनके प्यारे भाई लक्ष्मण, वाल्मीकि रामायण में आगे ये प्रसंग, जब जन्म का प्रसंग आवेगा, बाल लीला का जब प्रसंग आवेगा, तब तो वहां ये बात आएगी कि नच तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण जी यदि ला करके राम जी के पास न सुलाए जाए तो रामचंद्र को नींद ही नहीं आती है। नच तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। बिना लक्ष्मण के राम को निद्रा नहीं आती है। वो मिष्टमन्नम उपासनादि मृष्टमन्नम उपानीतम अश्नादि नहीं तम बिना। यदि लक्ष्मण नहीं होवे तो कोई मिठाई लाकर रामचंद्र के सामने रख दे तो वो खाते ही नहीं थे। नन्हे से बच्चे लाकर किसी ने मिठाई दिया, अब बच्चे का तो सीन स्वभाव यह है कि जब मिठाई आई सामने तो उसको उठा के मुंह